जैसा कि विदित है, भिंड जिला की भूमि वीर भूमियों में जानी जाती है और वहां वीरता का प्रदर्शन भी बड़े गौरवशाली ढंग से किया जाता है। इसलिए यहां विजयदशमी पर्व के अवसर पर जिला भिंड के दभो विशाल दंगल के कार्यक्रम विजयसेनी मंदिर के दंगल अखाड़े में आयोजन किया गया। नगर दभो में विगत 100 वर्षों से लगातार दशहरे पर दंगल का विशाल आयोजन किया जाता है। इसलिए यहाँ भारत के हर कोने से पहलवानों के दाव देखने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह रहता है। भिंड जिले के दभो में इसकी नींव भारत के प्रसिद्ध गामा पहलवान और उनके शिष्य अजुद्दीन पहलवान द्वारा रखी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत पारंपरिक विरासत को सुरक्षित व सहजने की दृष्टि से नगर के समाज सेवियों और नगर परिषद द्वारा यह आयोजन आज भी सुरक्षित है। दंगल की शुरुआत छोटे पहलवानों की कुश्तियों से शुरू हुई, जिन्होंने अपने कर्तव्य दिखाते हुए सबका मन मोह लिया। वहीं इस दंगल में क्षेत्रीय पहलवानों के अलावा अन्य कई राज्यों के भी पहलवान दंगल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दंगल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर पूर्व राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस अनुरुद्ध प्रताप सिंह और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार मौलिया, दबो नगर दबो अध्यक्ष विमला नरेंद्र दुधारिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष हाकिम सिंह, विधायक प्रतिनिधि शिवनारायण दुबे उर्फ बल्लू वकील के साथ पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रफीक खान, वरिष्ठ समाज सेवी माधु यादव इसके साथ नगर के सभी पार्षदगण उपस्थित रहे। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। नगर दबोह में पिछले कई वर्षों से ये विजयसेन मैया के नाम से विजयदशमी के अवसर पर ये दंगल आयोजित होता है। इसको क्रमशः जो वर्तमान नगर पालिका नवनिर्वाचित चुनाने थे उसने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से स्वस्थ आयोजन करवाया। हम चाहेंगे कि ऐसे आयोजन होते रहें जिससे समाज में स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता और दक्षता के प्रति जागरूकता बनी रहे।